न्यूज 18 नेटवर्क पर बोल रहे हैं जी। अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज, कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे, बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम सी टीम डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है एक उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्जामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिछले एक दो साल में मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ खासकर वो जिन्होंने तो ट्रांसफर्स का प्रश्न उठाया है कि क्यों इनके ट्रांसफ़र किए गए, हालांकि उसके अलग अलग वजाहत हैं, लेकिन जीशान राणा एक बात है कि इंडी अलायंस से अलग होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ने वाली है इन चुनावों को। देखिए अभी तो कोई फाइनल कॉल इस हमें इस सिलसिले में नहीं ली है। अब अगर हमने हमेशा से ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबसे पुरानी पार्टी है और हम दमखम रखते हैं सभी 90 के 90 सीटों पे चुनाव लड़ने का अपने दम पे। और अब इस पे फैसला जो है बहुत जल्द दिया जाएगा कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है ये चर्चा जो है चल रही थी, मगर अभी इस पे कोई फाइनल कॉल जो है पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया। बल्कि मैं जरूर कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वेलकम करेगी आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो फैसला लिया गया, क्योंकि पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हुए थे और पिछले 6 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली वजूद में नहीं थी, और इसे देखते हुए इलेक्शन कमीशन यहाँ कुछ दिन चंद दिन पहले यहाँ पे आया और उसने आज इतना बड़ा फैसला लिया। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हो और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी आवाज रखने का मौका दिया। अच्छा जीशान, आपको इंटरप्ट करूंगा, दीपेंद्र हुड्डा वहां हरियाणा में कुछ बोल रहे हैं। 10 साल के बीजेपी के जो कुशासन की वजह से आज हरियाणा बर्बादी के रास्ते पे पहुंचा दिया बीजेपी ने, आज 10 साल के उस कुशासन का हिसाब हरियाणा वासी मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग रही है। और लगभग 1.25 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा जब से अभियान शुरू हुआ है तब से हमारी पदयात्रा भी ये चल रही है। आज ये 33वां हलका था, पेवा हलका, जिसमें मैं पहुंचा हूं। वो कनेक्शन वहां छूट गया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा लग रहा है कि हुड्डा परिवार ही इस बार कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान की अगुवाई करने वाला है, भले ही वहां कुमारी शैलजा अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इससे पहले कि मैं दीप कमल जी के पास जाऊं, नीरज एक बात बताइए, ये 3 फेज में चुनाव करने का जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं सजेशन ये था कि 4 फेज में किए जाएँ, 2 कश्मीर में 2 जम्मू में, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना कि नहीं 3 फेज में ही कर दिया जाएगा। देखिए आनंद, कारण ये है कि चुनाव आयोग के सामने अर्धसैनिक बल बहुत है, बहुत कंपनियां हैं, वहाँ अमरनाथ यात्रा चल रही है तो फोर्सेस की कमी नहीं है। दूसरी चीज़, क्योंकि वहाँ उम्मीदवारों पे बहुत खतरा होता है और हर उम्मीदवार को ज़्यादा सुरक्षा बल देना होता है, तो चुनाव आयोग नहीं चाहता था स्ट्रेच आउट करे। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा आनंद, आप समझ जाएंगे। 20 तारीख को जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची रिलीज हो रही है,
उसी दिन पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू है और यानी 28 दिन बाद 18 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो बहुत रोबस्ट है और चुनाव आयोग ने इसलिए कह सकते हैं कि क्लीन बोल्ड किया है सभी को, राजनीतिक दलों को और हरियाणा के राजनेताओं को भी खासकर, क्योंकि इतना पहले अनाउंस कर दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी। जम्मू कश्मीर को लेकर भी ये मान रहे थे हम लोग कि 25 के आसपास होगा, हरियाणा को लेकर भी मान रहे थे कि 25 के आसपास होगा, लेकिन 15 अगस्त से ठीक एक दिन बाद चुनाव आयोग ने तय किया कि नहीं, यहाँ चुनाव कराया जाए और वो चुनाव कार्यक्रम हम लोगों के सामने है। तीन चरण में चुनाव कराया जा सकता है जम्मू कश्मीर में, पहले भी बहुत पहले होते रहे, तो चुनाव आयोग ने उस परंपरा को एक बार से रीइंट्रोड्यूस किया है कह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में तीन चरण, अब 5-6 चरण का जो एक परंपरा थी उसको खत्म करने की कोशिश की है। जी, बहुत बड़ा कदम यह है और मैं तो सरकार का कॉन्फिडेंस, CAPF का और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्फिडेंस एक तरफ है लेकिन आवाम पर भरोसा दूसरी तरफ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर की आवाम पर यह है। तो अभी जल्दी से ज़रा एक इस कॉन्वर्जेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये